एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट और ये एक स्वीडन टेक्नोलॉजी है जो 1917 में स्टार्ट हुई थी। एसी ब्लॉक जो है वो इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है, तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है अच्छे से रहती है। तो अभी बिल्डर्स और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है तो अच्छे से डाइवर्ट हो रहे हैं और रेड क्लिप ब्रिक्स को छोड़ के अभी एसी ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहे हैं। एसी ब्लॉक्स तेजी से ट्रेडिशनल ब्रिक्स की जगह ले रहे हैं। इनकी सुपीरियर प्रॉपर्टीज और इजी हैंडलिंग इन्हें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाती है। थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के कारण ये अपनी एयर कंडीशनिंग लागत को लगभग 25% तक कम कर सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। एसी ब्लॉक्स यानी ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स एक ऐसा एडेप्टेबल बिल्डिंग मटेरियल है जो एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ लो मेंटेनेंस, लाइट वेट, इको फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग, फायर रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फैक्ट्री में एएसी ब्लॉक्स को कैसे बनाया जाता है। हेलो, मेरा नाम योगेश पारवानी है, मैं प्रेसिडेंट एएसी ब्लॉक में प्लांट हेड हूँ। प्रोसेस की बात करें तो रॉ मटेरियल सारा यहाँ पे आता है, जैसे कि फ्लाई ऐश, लाइम, सीमेंट, सोल्यूबल ऑयल, एल्यूमिनियम पाउडर, जिप्सम। उसके बाद सारा पहले तो अपना पॉन्डेश है, पॉन्डेश डंप होता है, फिर लोडर थ्रू अपना स्लरी पिट में जाता है। स्लरी पिट के बाद क्लीनिंग होके प्रॉपर मटेरियल, उसमें दो स्लरी पिट है तो फाइन स्लरी में उसको मतलब स्क्रीनर थ्रू जाता है। उसके बाद ऊपर बैचिंग सेक्शन है तो पाइप से मतलब डेंसिटी लेके उसको, मतलब फ्रेश स्लरी और रिटर्न स्लरी का दोनों का डेंसिटी लेके और उसको बैचिंग सेक्शन में ले जाते हैं। उसके बाद दो साइलो है अपना, लाइम है और सीमेंट है, दोनों कन्वेयर थ्रू वहाँ पे सॉलिड स्केल है तो सॉलिड स्केल में लाइम और सीमेंट क्वांटिटी के हिसाब से, मोल्ड के हिसाब से वो लिए जाते हैं। सॉलिड और लिक्विड साइलो दोनों मैच करके मतलब बैचिंग सेक्शन में वो उसको मिक्सिंग प्रॉपरली अपन 4 मिनट उसका फ्लो, एम्प्टी हाइट मोल्ड की और डिस्चार्ज टेम्परेचर वो हम लॉग बुक में मेंटेन करते हैं। जैसे कि फ्लो है अपना 17 से 20 तक अपना फ्लो होता है, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर रहता है और एम्प्टी हाइट रहती है 230 से 250 तक, ये हम लॉग बुक मेंटेन करते हैं। उसके बाद राइजिंग में आने के बाद, राइजिंग सेक्शन में आने के बाद मोल्ड को 45 से 50 मिनट उसका राइजिंग टाइम रहता है, उसको प्रॉपरली मोल्ड को कवर भी करते हैं और कटिंग टाइम उसका 2.5 से 3 घंटे में कटिंग आ जाता है, पेनिट्रेशन चेक करके, और उसका कटिंग टेम्परेचर भी रहता है अराउंड 70 से 73 तक। कटिंग टेम्परेचर और कटिंग टाइम दोनों मैच करके ये अपना कटिंग मशीन पे अपना मोल्ड को क्रेन डीमोल्डिंग होता है, क्रेन से मोल्ड को डीमोल्डिंग करते हैं। डीमोल्डिंग करने के बाद उस ग्रीन केक को कटिंग मशीन पे रख दिया जाता है। कटिंग मशीन पे रख के उसको टिल्टिंग टेक्नोलॉजी से मोल्ड टिल्टिंग हो जाता है, उसके बाद हॉरिजेंटली कटिंग होता है और वर्टिकली कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद वापस अब हम क्रेन से उसको ऑटोक्लेव सेक्शन पे रख देते हैं। ऑटोक्लेव सेक्शन में 1x1 करके ऑटोक्लेव सेक्शन पे एक ऑटोक्लेव में 12 केक जाती है। बाहर निकालने के बाद उसका मतलब सेग्रीगेशन होता है लेबर थ्रू, उसको पैलेट्स में जमा के उसको अलग अलग साइज वाइज उसको रख के वहाँ से फोर्कलिफ्ट के थ्रू स्टॉक यार्ड में रखा जाता है। स्टॉक यार्ड में अलग अलग साइज का माल रहता है, जैसे कि अपने को डिस्पैच करने में इजी रहता है, जैसे कि 100 mm है, 200 mm है, 150 mm है, तो अलग अलग साइज का स्टॉक यार्ड में मेंटेन रहता है तो हमको डिस्पैच करने में इजी रहता है कि भाई ये साइज का माल इधर पड़ा है। एसी ब्लॉक्स बनाने में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं फ्लाई ऐश, लाइम, सीमेंट, जिप्सम, सोल्यूबल ऑयल और एल्यूमिनियम पाउडर। एसी ब्लॉक्स बनाने में यूज होने वाली मशीन एंड इक्विपमेंट है लाइम जॉ क्रशर, सैंड स्लरी मशीन, बैच मिक्सर मशीन, स्क्रू कन्वेयर्स, मोल्ड्स, टिल्टिंग क्रेन, डीमोल्डिंग इक्विपमेंट, ट्रॉली, कटिंग मशीन, ऑटोक्लेव मशीन, ब्लोअर, कंप्रेसर,
कंट्रोल पैनल एंड क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट। वीडियो में दिखाए गए एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप में लगभग 3 एकड़ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 1 एकड़ प्रोडक्शन एरिया, 1.25 एकड़ फिनिश्ड गुड, 0.5 एकड़ रॉ मटेरियल, 0.25 एकड़ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 50 से 60 लोगों की जरूरत होती है। एएसी ब्लॉक्स इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। वीडियो में दिखाए गए 3200 मैट्रिक क्यूबिक एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के लिए 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 12 से 15% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल यानी 25 से 30 मैट्रिक क्यूबिक, मीडियम यानी 50 से 60 मैट्रिक क्यूबिक या लार्ज स्केल यानी 100 से 150 मैट्रिक क्यूबिक पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंसेज और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, आईएसओ, बीआईएस सर्टिफिकेट एंड एनओसी फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी एएसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आईआईडी से संपर्क करें और अपने मनचाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। आईआईडी के हेल्पलाइन नंबर है 7408733333 और 7607655555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।